जब जब भी कोई इंपोर्ट करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे ड्यूटी इम्पोज कर देती है ताकि इंपोर्ट को रोका जाए, क्योंकि इंपोर्ट करने पर इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, और जब फॉरेन करेंसी देते हैं तो फॉरेन रिजर्व कम होते हैं, और जो फॉरेन रिजर्व पहले ही हमारे पास कम है क्योंकि हम पेट्रोल और अन्य बेसिक चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि जो गुड्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर ड्यूटी लगाई जाए, तो वो टाइप्स होते हैं ड्यूटीज़ के। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, वो HS कोड पर डिपेंड करती है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर सरचार्जेस होते हैं जो कि बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% होता है, और एक IGST होती है। तो ये ड्यूटी के टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी की, तो यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल हम चाइना से टॉयज़ इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक टॉयज़, ओके, और उन टॉयज़ की कीमत चाइना में 200 रुपीज़ है, बट वो डंप कर रहा है इंडिया को 100 रुपीज़ में। मीन्स कि जब उस टॉयज़ की कीमत 200 रुपीज़ चाइना में है, लेकिन फिर भी वो उन टॉयज़ को इंडिया में डंप कर रहा है ओनली 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डंपिंग प्रोसेस चल रही, कि वहाँ पे जो टॉयज़ यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट के जो टॉयज़ हैं वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो बहुत कम है, 100 रुपीज़ है, और इंडिया के टॉयज़ की प्राइस 200 है। तो यहाँ पे जो इंडियन मार्केट है वो उसको प्रॉब्लम आएगी, इंडियन मार्केट में जो टॉयज़ होंगे वो बिकेंगे नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसके लिए जो पॉलिसी है एज़ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WTO कि आप इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हो, क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या लगेगी कि जो एक्चुअल प्राइस है गुड्स की 200 रुपीज़ है, और उस पर 100 रुपीज़ ड्यूटी लगा दी, तो ये 200 के होंगे, तो ये इंडिया में जो गुड्स की वैल्यू है उसके बराबर हो गए। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, इसमें दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इंडियन मार्केट के वैल्यू में भी वही गुड्स 200 में मिल रहा है, और जो चाइना से हमने इम्पोर्ट किया वो भी आपका जो गुड्स से 200 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाती तो गुड्स का वैल्यू का डिफरेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है कस्टमर लो प्राइस पे अट्रैक्ट होता और चाइना के जो प्रोडक्ट है लो क्वालिटी का वो खरीद लेता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि इंडियन मार्केट के गुड्स की वैल्यू से अगर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी और उसकी वैल्यू इंडियन मार्केट की वैल्यू के बराबर करेगी, ताकि उसमें कोई डिफरेंस ना रहे इंडियन मार्केट की जो डोमेस्टिक मार्केट उसको बचाने के लिए। इसके अलावा अब बात करें हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी की, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी सेम इसी प्रकार से लगाई जाती है, बट वहाँ पर डंपिंग की बात नहीं आती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गुड्स ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस गुड्स की वैल्यू इंडिया में 200 रुपीज़ है, ओके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है, बिकॉज वहाँ पे कंपेरेटिव सोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पे लेबर और जो भी रॉ मटेरियल्स अच्छी तरह से मिल रहे हैं, इसलिए वो कम पैसे में उस गुड्स को बना रहा है, लेकिन इंडिया उसको उस प्राइस में नहीं बना रहा। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंपेरेटिव एडवांटेज को देखते हुए वो ऑस्ट्रेलिया में ये गुड्स, ऑस्ट्रेलिया से हम ये गुड्स सब इम्पोर्ट करेंगे तो यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी, क्योंकि अगर वो 100 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो इंडियन मार्केट में आएगा तो हमारे इंडियन मार्केट की मार्केट डाउन हो जाएगी और गुड्स बिकेंगे नहीं। तो उसके लिए इसने यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है उसमें कोई कंट्री डंप नहीं करता है, वो उसकी कंपेरेटिव एडवांटेज के कारण उसकी वैल्यू कम होती है और उस वैल्यू पे वो सेल करता है, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी डोमेस्टिक मार्केट बचाने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी अप्लाई करनी होती है। बट कि जबकि एंटी डंपिंग ड्यूटी में कोई कंट्री डोमेस्टिक मार्केट को ख़राब करने के लिए अपने कंट्री से लो मार्केट लो प्राइस पे वैल्यू को गुड्स को एक्सपोर्ट करता है और डंप करता है, इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसकी वैल्यू को
एवरेज में लाती है। ठीक है, सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।